Welcome to the online lecture of Sharad B. Mori English High School. Okay, so students, today I'll start with the next part of maths, cardinal numbers, ordinal numbers. Okay, so in this chapter, we will study about cardinal and ordinal number. Means what is cardinal number, what is ordinal number. Okay, so look here what is given. First of all, we'll study what is given here about a picnic. Okay, means a picnic, इसमें एक शॉर्ट से इंफॉर्मेशन है, ये रीड करेंगे हम लोग, ये जो राइटअप है उसके बाद हम लोग को समझ में आएगा कॉन्सेप्ट कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स का. ओके, सो नाउ लेट्स रीड इट फर्स्ट. वंस इन अ फॉरेस्ट एट अ पॉट लुक फॉर सेवन ईच ब्राउट अ डिश बाय ऑल टू बी ईटन. रैबिट केम हॉपिंग द फर्स्ट ऑफ द लॉट. But oh, in the hurry, his tiffin he forgot. Second was deer, golden and swift, with tender green grass, bagged like a gift. Monkey came third with a basket of veggies, swinging from the trees with so much ease. Fourth came cow, swinging her tail. Happy she could bring her yummy carrot cake. A bundle on his trunk. Elephant came fifth. The bundle was of sugar cane. Oh, what a thrill! Sparrow was sixth with corn or the cob, seventh with roasted gram stirred in peacock. Seven happy picnickers shared the dishes six. A better feast you couldn't have wished. ओके, सो नाउ लुक हियर, शॉर्ट सा राइट अप है आप लोगों को. क्या कि मैंने देखो, वंस इन अ फॉरेस्ट मतलब एक बार फॉरेस्ट में, अ पॉटलक फॉर सेवन मतलब सेवन जो एनिमल्स थे ना फॉरेस्ट में. पॉटलक मतलब क्या, कि एक यूजुअल यूजुअल गैदरिंग होती है जिसमें सब क्या होते हैं, अपने अपने जो भी गेस्ट आते हैं ना उसमें अपने अपने क्या है डिशेस लेकर आते हैं और सब एक साथ बैठकर फिर क्या करते हैं, वो खाते हैं, तो उसको हम लोग पॉटलक बोलते हैं. तो ऐसे सेवन एनिमल्स का पॉटलक था. ईच ब्राउट अ डिश बाय ऑल टू बी ईटन, और सबने क्या करे थे, फिर अपनी अपनी डिश लेकर आए थे जो खाना था उनको, ठीक है, जो खाने वाले थे. रैबिट केम अ हॉपिंग द फर्स्ट ऑफ द लॉट बट ओ इन द हरी हिज टिफिन ही फॉरगॉट. ओके, अब देखो सबसे पहले क्या बोला हुआ है कि सबसे फर्स्ट कौन आया, फर्स्ट. देखो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है वर्ड फर्स्ट, राइट, और यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है वर्ड सेवन. सो ये आप लोग को जो हाईलाइटेड वर्ड्स है वो आपको मार्क करना है. ओके, हम लोग इसका डिफरेंस समझेंगे बाद में, पहले हम लोग स्टोरी देख लेते हैं क्या है. सो वर्ड फर्स्ट कौन आया, सबसे पहले, फर्स्ट मतलब सबसे पहले. अब देखो रैबिट आया सबसे पहले, है ना, जल्दी जल्दी में. ओ इन हरी ही स्टीफन ही फॉरगॉट, सबसे आगे वो क्या मतलब हॉपिंग. देखो यहाँ पे क्या बोला, क्या बोला हुआ है, केम अ हॉपिंग मतलब जंप करते हुए सबसे पहले वो आ गया रैबिट. हाँ, और लेकिन जल्दी जल्दी में फिर वो टिफिन ही भूल गया, राइट, ही फॉरगॉट द टिफिन. देखो सेकेंड, सेकेंड वॉज डियर गोल्डन एंड स्विफ्ट विथ टेंडर ग्रीन ग्रास बैग लाइक अ गिफ्ट. ओके, अब देखो उसके बाद कौन आया, यहाँ पे आप देखो उसे देख सकते हो रैबिट कैसे हॉपिंग करता हुआ आ रहा है ना. उसके बाद देखो किसके बारे में बताया हुआ है, डियर के बारे में. सेकेंड वॉज डियर गोल्डन एंड स्विफ्ट, गोल्डन कलर की होती है ना वो, और कैसी स्विफ्ट, स्विफ्ट मतलब काफी तेज तेज से चल के आ रही थी, ठीक है, विथ टेंडर ग्रीन ग्रास, और उसके साथ में क्या थे, टेंडर ग्रीन ग्रास थे. ओके, वो उसका खाना है ना, वो उसका लंच था, वो अपने साथ कैरी कर रही थी. बैग लाइक अ गिफ्ट, बैग मतलब साथ में कैरी कर रही थी. देखो यहाँ पे देख सकते हो, लाइक अ गिफ्ट, जैसे कोई गिफ्ट लेकर आ रही हो, है ना, किसी के लिए, तो वो आती है. नेक्स्ट, मंकी केम थर्ड विद अ बास्केट ऑफ वेजीज स्विंगिंग फ्रॉम द ट्रीज विद सो मच ईज. ओके, सेवन
नेक्स्ट क्या है, देखो मंकी आता है, तो मंकी केम थर्ड, मतलब फर्स्ट कौन आया, रैबिट है ना, उसके बाद सेकेंड आया डियर, देन थर्ड मंकी, थर्ड कौन आया, मंकी, मंकी केम थर्ड विद अ बास्केट ऑफ वेजीज, और वो क्या लेकर आता है अपने साथ में, विद अ बास्केट ऑफ वेजीज, मतलब अपने साथ में वेजिटेबल्स लेकर आता है ना, डिफरेंट डिफरेंट, स्विंगिंग फ्रॉम द ट्रीज विथ सो मच ईज, मतलब स्विंगिंग, स्विंगिंग का मतलब होता है झूला झूलते हुए, है ना, ट्री पे से झूला झूलते हुए, मतलब एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे स्विंग करते हुए आसानी से, विथ सो मच ईज, मतलब बहुत आसानी से वो क्या करता है, स्विंग करते हुए ट्रीज पे से आता है। हियर यू कैन सी मंकी है, और उसके पास क्या है, बास्केट है, किसकाई की, वेजीज की, राइट, वेजिटेबल्स। फोर्थ केम काउ स्विंगिंग हर टेल, हैप्पी शी कुड ब्रिंग हर यमी कैरोट केक। ओके, अब उसके बाद कौन आता है, देखो नेक्स्ट फोर्थ कौन आता है, काउ। ओके, काउ आती है, स्विंगिंग हर टेल, अपना टेल स्विंग करते हुए, मतलब हिलाते हुए, है ना, और हैप्पी शी कुड ब्रिंग हर यमी कैरोट केक, और हैप्पीली आती है, और अपने साथ में क्या लेकर आती है, कैरोट केक लेकर आती है। ओके, नेक्स्ट, अ बंडल ऑन हिज ट्रंक एलिफेंट केम फिफ्थ, द बंडल वॉज ऑफ शुगर केन, ओ वॉट अ थ्रिल, मतलब आप देखो अब एलिफेंट आता है ट्रंक में, मतलब उसका, उसकी जो सूंड रहती है ना, उसके अंदर वो क्या लेकर आता है, वो फिफ्थ आता है, ठीक है, और क्या लेकर आता है अपने अपने साथ, बंडल ऑफ शुगर केन, मतलब वो जो गन्ना होता है उसका बंडल, यू कैन सी हियर, है ना, पिक्चर में आप देख सकते हो क्या है उसके ट्रंक में, उसने क्या लिया हुआ है, क्या कैरी कर रहा है उसने अपने ट्रंक से, एलिफेंट ने, शुगर केन का बंडल। ओके, स्पैरो वॉज सिक्स, अब देखो सिक्स कौन आता है, स्पैरो, यू कैन सी हियर स्मॉल पिक्चर ऑफ स्पैरो, वो सिक्स्थ आती है, मतलब किसके बाद आती है, एलिफेंट के बाद, विद कॉर्न और द कॉब, किसके साथ में आती है, देखो मतलब उसका जो भुट्टा है ना, देखो दिख रहा है आपको, और जो छोटे छोटे उसके दाने हैं ना, उसके साथ में आती है, वो अपने हिसाब से लेकर आती है ना उसका जो भी खाना होता है। सेवेंथ विद रोस्टेड ग्राम स्ट्रटेड इन पीकॉक, ओके सॉरी यहाँ पर है, हाँ सेवेंथ, अब सिक्स कौन था, देखो सिक्स कौन आया, स्पैरो, देन सेवेंथ, सेवेंथ पीकॉक, हियर यू कैन सी पीकॉक किसके साथ आया, रोस्टेड ग्राम स्ट्रटेड, किसके साथ आया, मतलब रोस्टेड मतलब भुना हुआ है ना, उसका रोस्ट किया हुआ है, तो उसके साथ रोस्टेड ग्राम के साथ वो आता है। ओके, नेक्स्ट, सेवन हैप्पी पिकनिकर्स शेयर द डिशेस सिक्स, अ बेटर फीस्ट यू कुडंट हैव विश, ओके, और ये सारी डिशेस वो क्या करते हैं, एक साथ में बैठकर शेयर करते हैं, तो ये क्या हो गया, उन लोगों का पॉटलक था, ये सेवन पर्सन का है ना, वो सारी डिशेस जो वो लेकर आते हैं, सिक्स डिशेस है ना, सिक्स कैसे हुई, देखो वो जो रैबिट था वो क्या करता है, जल्दी जल्दी में अपना टिफिन भूल जाता है ना, और बाकी सब लेकर आते हैं सिक्स, तो वो सारे सिक्स डिशेस जो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, हियर इट इज शुगर केन ग्रास, हियर इट इज कैरेट केक, ये कॉर्न है, कॉब्स है ना, और ये क्या है, रोस्टेड ग्राम है, और ये है क्या है, वेजीज है ना, ये सिक्स डिशेस एक साथ बैठ के फिर वो क्या करते हैं, पिकनिक में इंजॉय करते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग एग्जैक्टली ये जो राइटअप है